की छुट्टी के बाद आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली लौट आए। वो बैंकॉक से यहाँ पहुँचे, लेकिन राहुल करीब दो महीने तक कहाँ रहे, ये सवाल एक राज ही है। कांग्रेस का कोई नेता इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं। ठीक दो महीने की छुट्टी के बाद बैंकॉक से दिल्ली लौटे राहुल गांधी की ये पहली झलक है। सुबह करीब 11:45 पर राहुल गांधी जैसे ही अपने 12 तुगलक लेन के घर पर पहुंचे, उनके इंतजार में मीडिया के सैकड़ों लोग उनके घर के बाहर मौजूद थे, लेकिन राहुल रुके नहीं। वो अपनी सफारी गाड़ी में सिर झुकाए अपने मोबाइल की तरफ देख रहे थे। राहुल गांधी का एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर राहुल गांधी कहाँ है, आखिरकार आज राहुल गांधी आ गए। पीछे आप देख सकते हैं जो काफिला आ रहा है वो राहुल गांधी का काफिला है। लगभग इस वक्त 12:10 बाकी हैं, अपने निवास तुगलक रोड की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। राहुल के इंतजार में उनके घर पर माँ सोनिया गांधी और बहन प्रियंका पहले से ही मौजूद थी। राहुल के पहुँचने से कुछ देर पहले ही सोनिया और प्रियंका दोनों राहुल के घर पर पहुँच चुकी थी। सीरियस नोट पे हम कहना चाहेंगे, राजनीति में कोई आइटम नंबर नहीं होता है कि आप तुरंत आए, एक मंच पे बैठे, एक भाषण दें और फिर छुट्टी मनाने चले जाएं, ऐसे नहीं होता। राजनीति में 24 घंटे आपको लोगों के दुख सुख को समझना होता है और जिसको समझ है वही लोगों को लेकर आगे बढ़ सकता है, उनमें समझ नहीं है। उधर पार्टी कार्यकर्ताओं को जैसे ही राहुल के दिल्ली लौटने की खबर मिली, उनके कई समर्थक भी वहां पहुंच गए और आतिशबाजी। राहुल गांधी के लगभग दो महीने के बाद आने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। आप देख रहे हैं कि तुगलक रोड उनके आवास स्थित पर ये पटाखे जलाए जा रहे हैं और कुछ कांग्रेसी यहां पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पटाखे और बम जो है वो जलाए जाने शुरू हो गए हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राहुल 16 फरवरी को दिल्ली से बैंकॉक गए थे। राहुल गांधी के टिकट की तस्वीरें देखिए, यहाँ लिखा है कि सोमवार 16 अप्रैल को राहुल तड़के 3:30 पर दिल्ली से बैंकॉक के लिए रवाना हुए। वो थाई एयरवेज के बिजनेस क्लास के टिकट से बैंकॉक गए थे। और यहाँ देखिए, राहुल गांधी गुरुवार 16 अप्रैल को सुबह 7:35 पर बैंकॉक से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सुबह 10:35 पर उनके विमान को लैंड करना था, लेकिन फ्लाइट 11:15 पर पहुंची, यानी उनकी फ्लाइट 40 मिनट लेट हुई। रजत राकेश टंडन, अरविंद चतुर्वेदी और संजय शर्मा के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि राहुल गांधी 59 दिनों की छुट्टी के दौरान सबसे ज्यादा दिनों तक थाईलैंड में रहे। यहां से वो म्यांमार भी गए। राहुल गांधी ने यहां विपश्यना का अभ्यास किया, लेकिन राहुल का दौरा सिर्फ इन दो देशों तक सिमट कर नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी लंदन भी गए और फिर उन्होंने वियतनाम और स्पेन का भी दौरा किया।